एक ज़माना था जब फेमिनिज्म ने एंड्रोजिनी को बहुत सीरियसली लिया था, आज उतने सीरियसली नहीं लेते। मैं एंड्रोजिनी को आज भी बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा आदर्श है जो हर बड़े आदर्श की तरह मैं हासिल कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता रहूंगा। पैनल में सुधीर चंद्र जी हैं, भारतीय नवजागरण में इकलौते जो पुरुष पक्ष रखने के लिए, पुरुष भाषा में या स्त्री भाषा में या मिली जुली भाषा में पुरुष पक्ष रखने के लिए हमारे बीच है। इस किताब में एक जिनको मैं नायक भी मानूंगी, द्वारिकानाथ गांगुली जी का जिक्र आता है, जिन्होंने 1869 में एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम उन्होंने अबला बांधव रखा और जो महिलाओं पर केंद्रित थी। तो सुधीर जी को मैं आमंत्रित इसी बिना किसी विस्तार दिए प्रश्न को विषय पर, भारतीय नवजागरण का जो स्त्री पक्ष है उस पर अपने वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी, अपना वक्तव्य देने के लिए सुधीर चंद्र जी। मित्रों, ये पुरुष पक्ष की बात जो हुई, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। और चूंकि मैं पुरुष हूँ, पैदाइश मेरी पुरुष की है, और यहाँ फेमिनिज्म के बड़े जानकार बैठे हुए हैं, ये जो जेंडर का सवाल है, सिमोन द बूवा को पहले ही कोट कर दिया है सुजाता ने, तो ऐसा नहीं है कि औरत पैदा नहीं होती, बनती है औरत, और आदमी पैदा हो जाता है, बनता नहीं है, आदमी भी बनता है, वो बनाया जाता है बेहतर प्रस्थापना। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि मैं चाहता रहा हूँ, न चाहता रहा हूँ, और चूंकि नेचुरली हेट्रोसेक्सुअल रहा तो शायद चाहता भी रहा होऊंगा कहीं, तो वो उन बातों में फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हम सबकी कोशिश होती है कि इस विभेद का अतिक्रमण कर, तो एक ज़माना था जब फेमिनिज्म ने एंड्रोजिनी को बहुत सीरियसली लिया था, आज उतने सीरियसली नहीं लेते। मैं एंड्रोजिनी को आज भी बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा आदर्श है जो हर बड़े आदर्श की तरह मैं हासिल कभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता रहूँगा। हम लोगों के कह रहा हूँ तो मैं अपनी पत्नी और अपनी बात कर रहा हूँ, हम दोनों के एक बड़े अच्छे मित्र हैं, दार्शनिक और संस्कृत के विद्वान, रोमानियन हैं लेकिन बरसों से फ्रांस में रह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही पेरिस में बैठे हुए थे, शालमाला मूद उनका नाम है, शालमाला मूद उनकी गर्लफ्रेंड गीतांजलि और मैं, तो शाल ने मुझसे पूछा कि सुधीर यू से यू बीन लिविंग विद टू वेमेन। आई सेड यस आई हैव बीन सेइंग दैट। देन नाउ टेल मी, आई डोंट नो व्हाट इट हैज मेंट टू यू टू बी लिविंग विद दोज टू वेमेन, बट हैव दीज टू वेमेन बीन जेलस ऑफ ईच अदर। तो मैंने कहा कि शाल, गीतांजलि इज सिटिंग विद अस, and you can ask her if she was ever jealous of the other woman, and I assure you the answer would be no, she was never jealous of the other woman. And so far as the other woman is concerned, she's been dead for
60 years, even before Gitanjali was born. Now, this other woman is Rakhma Bai. Sorry, main kyon angrezi bol raha hu? ये जो दूसरी औरत है जिसके साथ मैं कहता हूँ मैं रहता रहा हूँ, वो रखमा बाई है, जिसका जिक्र इस किताब में भी आता है, डॉक्टर रखमा बाई। एक बड़े कमाल की बात शाल ने मुझसे कही, यहाँ उसका वो उतनी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन बहुत ही कमाल की बात है। जब मैंने ये कहा कि द अदर वुमन हैज़ बीन डेड फॉर 60 ईयर्स, सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ हर बीइंग जेलस, और इस फिलोसोफर ने मुझसे कहा, हाउ कैन यू बी सो श्योर? अब जरा गौर करिए, हिला देने वाली बात है, हाउ कैन यू बी सो श्योर? अब मैं यहाँ से इसलिए ये बात शुरू कर रहा हूँ कि लिविंग विद दीज टू, सॉरी ये क्या शाल को कोट कर दिया, अंग्रेजी चढ़ गई मेरे जुबान पे। ये नहीं, हिंदी में जो आनंद है वो अंग्रेजी में कहाँ है। तो इन दो स्त्रियों के साथ मैंने जो जीवन बिताया है, दोनों असाधारण स्त्रियाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दो ऐसी स्त्रियों का साथ मुझे मिला। दो ऐसी स्त्रियों के साथ रह के भी अगर मैं पुरुष ही बना रहा हूँ, पुरुषवादी ही बना रहा हूँ, तो लानत है। सही बात है। और शायद मेरी मित्रता न बनी रहती इन दो स्त्रियों से, अगर मेरे अंदर बदलाव न आया होता। और उसके बावजूद, इस सारी कोशिश के बावजूद, भूले भटके आजकल खलनायक आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आजकल जो साहित्य लिखा जाता है उसमें सफ़ेद और काला वैसे नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि कोई खलनायक है और कोई नायक है, कोई नायिका है कोई, तो और फिर भी मैं आपको बताऊं कि भूले भटके गीतांजलि की किसी कहानी में कोई खलनायक आ जाए तो तुरंत मैं अपने को पहचान लेता हूं इसमें। मैं जानता हूं कि कहां अभी खामी रह गई है, और उस संदर्भ में मैं सुजाता की एक उद्धरण देना चाहता हूं जो इस किताब से नहीं है। सुजाता लिखती हैं, दो बातें ये लिखती हैं, तो मैं दोनों बातें कोट कर रहा हूं यहाँ। जिस पुरुष को लगता हो कि वह बेहद प्रगतिशील है, उसमें भी जेंडर प्रशिक्षण को अनसीखा करने के लिए खूब गुंजाइश होती है। तो सुजाता, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत गुंजाइश है उस जेंडर प्रशिक्षण से ऊपर उठने की। और दूसरा उद्धरण सुजाता का, कहते हैं, कोशिश करता हुआ मनुष्य सबसे सुंदर होता है। कोशिश बेहतर होने की, दुनिया के प्रति संकीर्ण नज़रिया बदलने की, कोशिश कॉमन सेंस से टकराने की, इसमें वह बहुत जगह असफल हो सकता है। वह पुरुष जो कोशिश कर रहा है, इसमें वह बहुत जगह असफल हो सकता है, होता है। मैं दोनों उद्धरणों, ये तो मेरे लिए जैसे गुरु हो गई हैं, जो इतनी दो कमाल की बातें मुझे समझा दे। तो उस भाव से मैं जो कुछ भी अब बोलूँगा आप उसमें सुनेंगे कृपा करके, और ये मान के चलेंगे कि न मेरी कोई जिद है और न मेरा कोई जोर है। और दो बात देखिए, एक तो हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं, ऐसी अद्भुत किताब हम लोगों को सुजाता ने दी है, तो हम सब इनके शुक्रगुजार हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। और चूंकि ये पुनर्जागरण के स्त्री पक्ष पर है, तो राजकमल ने ये ठीक ही समझा कि थोड़ी इस पर भी चर्चा कर ली जाए। और लगे हाथ नहीं, मुकम्मल तौर पर राजकमल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया और इतने अच्छे तरह से प्रकाशित किया। तो देखिए, जो कोशिश होती रही उसमें पुरुष असफल होते रहे, बार बार असफल होते रहे, लेकिन कोशिश होती रही। जो अनामिका ने जहाँ से अपनी बात शुरू की कि जागना कोई इतना आसान थोड़ा है, ये एक बार थोड़ी प्रक्रिया हो जाती है, तो इसमें पुरुष बहुत असफल हुए।
कैसे असफल हुए ये मैं रखमा बाई पर किताब लिखते हुए समझ पाया। उस दुख को मैंने झेला है, रखमा बाई के दुख को। लेकिन मैंने एक और आदमी, एक और पुरुष, चूँकि पुरुष की बात हो रही है, एक और पुरुष के दुख को भी मैंने भोगा है, और वो पुरुष है बहराम जी मरवान जी मलबारी। मलबारी का भी जिक्र इस किताब में आता है। आप एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात ही नहीं कर सकते हैं मलबारी को लाए बगैर। मलबारी के जो दो नोट्स हैं, नोट्स ऑन विडो रीमैरिज एंड एनफोर्स विडोहुड, अगर वो न लिखे जाते तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और जो बहस पूरे देश में मलबारी ने शुरू कर दी। मलबारी सोचिए किस तरह के आदमी थे, पारसी थे, विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं, पारसियों में तो होता है, हिंदू उनके हिंदू जो पुरातन पंथी थे बहुत खिलाफ थे मलबारी के, और बार बार कहते थे कि तुम्हारे समाज में क्या बुराइयां नहीं हैं, उनको देखो हमारे मामलों में क्यों दखल करते हो। तो मलबारी ने एक बार उसका जवाब दिया, वो जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी माँ विधवा हो गई थी, मैंने जाना है विधवा होना क्या होता है, मैंने विधवाओं का ये देखा ये देखा ये देखा है, विस्तार से बात करते हैं, और अंत में मलबारी कहती हैं मैं विधवा हूँ। अब इस पर आप गौर करें, ये रेटोरिकल फॉर्मूलेशन नहीं है कि मैं विधवा हूँ, हर एक के बूते का नहीं है कह पाना कि मैं विधवा हूँ। ये मलबारी कोई हमारे पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो जो मन अच्छी अच्छी बातें कह देंगे और बड़े प्रभावशाली ढंग से कह देंगे, मतलब उसका कुछ नहीं होगा। मलबारी के जो दिल में है वो उनके ज़ुबान पे है, जो उनके दिल में है वो उनके पेन में है। तो ये आदमी कहता है आई एम द विडो। तो मैंने इसी पुनर्जागरण में ऐसे पुरुष देखे हैं, अब मैं पुरुष की बात करना चाह रहा हूँ, मलबारी जैसे पुरुष, रानाडे जैसे पुरुष। रानाडे का भी जिक्र आता है सुजाता की किताब में, रानाडे से ज़्यादा रमाबाई रानाडे का जिक्र आता है। सुजाता ने हिमसेल्फ, ये इनकी मराठी में किताब है अपने वैवाहिक जीवन को लेके रमाबाई रानाडे की, ये दोनों मित्र थीं पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानाडे। तो सुजाता तो बहुत अच्छी तरह इस बात को जानती हैं। हम लोग रानाडे की इतनी आलोचना करते हैं कि थे तो समाज सुधारक, और जब पत्नी का देहांत हो गया तो सब लोग सोचते थे कि ये भी अब किसी विधवा से विवाह करेंगे, और उन्होंने ये 12 वर्ष की रमाबाई से विवाह कर लिया। बड़ी छीछा लेदर हुई मलबारी की। अब मैं आप यहाँ नहीं बताऊँगा, ये कोई 19th सेंचुरी पर लेक्चर तो हो नहीं रहा है कि क्यों मजबूरन रानाडे को विवाह करना पड़ा, लेकिन अपने परिवार के प्रचंड विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, जगह जगह अपने साथ ले जाते थे, और रमाबाई रमाबाई बन गई। तो स्त्री स्वातंत्र में जो रमाबाई रानाडे का योगदान है उसकी भी हमें बात करनी होगी। तो प्रश्न ये है कि रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे में क्या था जो वो रमाबाई को रमाबाई बना सके, और फिर उनको अलग के भाई जो अब तुम्हारा मन आए वो करो। इसी किताब में एक और आदमी का जिक्र आता है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखटकर। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखटकर प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, पेशे से डॉक्टर थे, और बम्बई में जो शुरू के हिंदुस्तानी डॉक्टर्स हुए हैं उनमें आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग के 8 बच्चे थे। आत्माराम पांडुरंग ने अपनी बेटी को भी इंग्लैंड पढ़ने भेजा और बेटों को भी, ये नहीं किया कि बेटों को तो इंग्लैंड पढ़ने भेज दो और बेटियों को पढ़ा दो, यही बड़ी बात है, वहाँ तो पढ़ाई नहीं जाती थी। रखमाबाई की तो बेचारी की 11 साल पे शादी हो गई और शादी होते ही उसको स्कूल से निकाल लिया गया।
आत्मा राम पांडुरंग अपने बच्चियों को भी इंग्लैंड भेजते हैं और बेटों को भी इंग्लैंड भेजते हैं। उनकी एक बेटी एक अंग्रेज से शादी करती है, दूसरी बेटी एक पारसी से शादी करती है, वो डॉक्टर बनी। मैं मिसाल मैं सब आठों बच्चों का नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। उनके बेटे दो बेटे अंग्रेज़ों से अंग्रेज औरतों से शादी करते हैं। सोचिए मैं 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ और आत्माराम पांडुरंग सबका स्वागत कर रहे हैं। जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल कॉस्मोपॉलिटन फैमिली आत्माराम पांडुरंग की 19वीं सदी में हो गई, हमारे यहाँ तो आज नहीं आपको देखने को मिलेगी। ये एक पुरुष है, किस हद तक इस आदमी ने अपने बच्चों को आज़ादी दी इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि अन्नपूर्णा जिसने कि अंग्रेज़ से शादी की, इसका भाई एडिनबरा में डॉक्टरी पढ़ रहा था उस समय, ये एडिनबरा अपने भाई के साथ गई, वहाँ कुछ दिन रहीं और एक अवैध संतान को जन्म दिया। उस अवैध संतान को, ठीक है कि ये अन्नपूर्णा का देहांत हो गया, लेकिन उस तथाकथित अवैध संतान को भी इस परिवार ने स्वीकार किया। तो मैं सुजाता की इस बात से पूर्ण सहमत हूँ, न केवल महाराष्ट्र, पूरे देश के पुनर्जागरण को हमने अभी समझा ही नहीं। आज ज़रूरत इस बात की है कि पुरुषों की भी और स्त्रियों की गंभीर और विस्तृत जीवनियाँ लिखी जाएं। उसके लिए बड़ा श्रम करना होगा, जीवनी लिखना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने गूगल सर्च में कोई अच्छे अच्छे सर्च इंजन्स ले लिए और आपको सब मिल गया, नहीं मिलता है। आपको उस वक्त के रिसालों पे जाना पड़ता है, अखबारों पे जाना पड़ता है, एसोसिएशंस के पेपर्स पे जाना पड़ता है, प्राइवेट पेपर्स डायरीज पढ़नी पड़ती हैं, और जहां आप नहीं सोचती हैं वहां से आपको कभी कभी मसाला मिल जाता है। तो जब उस तरह का काम हम करेंगे, और ये सब आप ही लोग कर पाएंगे, अब मेरे बूते का नहीं है कि मैं आर्काइव्स और नेहरू लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी जाके काम करूं, तो ये जब आप लोग उस तरह का काम करेंगे तब आप देखेंगे कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे समाज में ऐसे पुरुष और स्त्रियां थे। और देखिए, हम जब किसी एक के बारे में जान लेते हैं तो हमें लगता है कि ये अकेला है या अकेली, इसने वो कर दिया जो किसी और ने नहीं किया। इसमें भी बड़ी महानता है किसी व्यक्ति के ये कर देने में, लेकिन सोचिए कि वो समाज कैसा होगा, उतना गया बीता नहीं होगा जिसमें केवल एक रमाबाई पैदा हो जाए। उसी समय और रमाबाइयाँ भी पैदा हो रही थीं। आनंदीबाई अपने तरह से रमाबाई है, रखमाबाई अपने तरह से रमाबाई है, द्वारका प्रसाद गांगुली का जिक्र आया, उनकी पत्नी अपने तरह से गांगुली है, कॉर्नेलिया सोराब जी अपने तरह से रमाबाई है। जब आप उस तरह का काम करेंगे तो आपको एक बिल्कुल ही नया क्या पर्सपेक्टिव या जो प्रोस्पेक्ट, मैं तो सोच के वो जो परिदृश्य होगा वो ऐसा परिदृश्य होगा, और तब आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था, ये तो हमने जाना ही नहीं था। और हमारे पूर्वज अगर ऐसे थे तो लानत है कि हम आज ऐसे हो रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया सुधीर सर। मुझे ऐसा लगता है कि अब परिचर्चा को जो संपूर्णता मिलनी चाहिए वो सुधीर चंद्र जी के आख्यान के बाद मिल गई है।